बिहार की सियासत में 7 महीने बाद फिर से वही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? पहले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की रुखसती, फिर नीतीश की तेजस्वी यादव से मुलाकात, इस सवाल को और मजबूत कर दिया है। मुलाकात की कहानी भले कुछ और बताई जा रही है, लेकिन 2022 में भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही पलटी मारी थी। उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति आधारित सर्वे को लेकर एक दूसरे से मिले थे और फिर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही छोड़ दिया था। पिछले 10 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। हर बार पलटी या तो लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही मारते हैं। आखिरी पलटी उन्होंने इसी साल जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले मारी थी। नीतीश इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में चले गए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पटना में 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि मुलाकात सूचक आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई है, लेकिन इसी तरह से 2022 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर हुई थी और फिर दोनों साथ आ गए थे। नीतीश कुमार पॉलिटिकल यूटर्न लेंगे या नहीं, इसका ना तो जेडीयू सिरे से खारिज कर रही है और ना ही आरजेडी मजबूती से कह रही है कि हम साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी भी इस पर चुप है। जाति आधारित सर्वे और उससे मिलने वाले आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि केंद्र की वजह से बिहार को अगर सर्वे आधारित आरक्षण को हरी झंडी मिलती है तो अन्य राज्यों में यह मांग तेज हो जाएगी।